नमस्कार, रूबीज पंजाबी किचन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बढ़िया मज़ेदार गाजर का हलवा। सर्दियों का सीज़न है, गाजरें खूब अच्छी मार्केट में आई हुई हैं, तो हम आज बनाएंगे गाजर का हलवा। आइए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डलेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ ली है लाल गाजर। 1 किलो गाजर लेके उसको अच्छे से धो के साफ करके मैंने उसको कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद 200 ग्राम हमें चाहिए चीनी, या स्वाद अनुसार आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैंने मावा लिया है यहाँ पर। 15-20 काजू के और 15-20 दाने बादाम के लेकर मैंने उनको ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। एक कटोरी गोले को मैंने कद्दूकस कर लिया है, सूखा गोला है ये। 2 बड़े चम्मच देसी घी और तकरीबन 200 ml या 1 ग्लास के करीब दूध है, ये फुल क्रीम दूध है। और आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, हरी वाली इलायची है ये। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं इसको। मैंने यहाँ ले ली है एक कढ़ाई जो कि हैवी बॉटम की कढ़ाई है, और हम इसमें सबसे पहले डालेंगे घी। ये 2 बड़े चम्मच घी है। थोड़ा सा ये मेल्ट होगा, पहले हमारा घी गरम हो गया है। इसमें हम डालेंगे गाजर। हम घी में गाजर को बहुत अच्छे से भून लेंगे। मैंने गैस को लो मीडियम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। इसको 5 से 7 मिनट हम घी में भूनेंगे गाजरों को। देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं हमें गाजरों को भूनते हुए, इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें हम डाल देंगे चीनी, इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे, और साथ ही जाएगा इलायची का पाउडर। इसको थोड़ा सा पानी सूखने तक हम भूनेंगे, इनको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए हमारे गाजर के हलवे में कितना सारा चीनी भी मेल्ट हो गई है, और गाजर ने भी अपना पूरा पानी छोड़ दिया है। इसको सुखाने तक हमने गाजरों को पकाना है। अब मैंने गैस को थोड़ा सा तेज कर दिया है। इसको अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे गाजरों को पानी सूखने तक। जब तक हमारी गाजरें तैयार हो रही हैं पानी सूख के, तब तक हम अपना मावा भून लेंगे। वैसे हलवाई तो ये जो मावा है वो कच्चा ही डाल देते हैं, वो गाजरों के साथ ही भूनते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से पहले भून रही हूँ। उसमें थोड़ा सा टेस्ट और अच्छे से आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम हल्की आँच पर भूनेंगे पूरे मावे को, ताकि हमारा समय बचेगा। एक तरफ हमारी गाजरें तैयार हो जाएंगी और एक तरफ हम अपना मावा भूनकर तैयार कर लेंगे। साथ साथ हल्की आंच पे हम अपना मावा भून रहे हैं। हल्के गैस पे लगातार चलाते हुए हमने मावे को थोड़ा सा भूनना है। देखिए ये मेल्ट हो गया है और ये अच्छे से धीरे धीरे भून रहा है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। एक तरफ देखिए हमारी गाजरें भी पक रही हैं, उधर हमारा मावा भुन रहा है। अभी पानी इसमें काफ़ी है, इसको पानी सूखने तक हमने गाजरों को पकाना है। गाजरें वैसे पक चुकी हैं। दस से 12 मिनट हो चुके हैं हमारी गाजरों को भुनते हुए, और इसका पानी भी सूख गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें अपना दूध डाल देंगे, और इसको थोड़ी देर ये दूध सूखने तक इस गाजर को पकाएंगे। अगर आप चाहें तो दूध के बिना भी केवल मावा डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन दूध डाल के थोड़ी सी इसमें स्मूथनेस आ जाती है, कैरमलाइज हो जाती हैं गाजरें, तो और अच्छा टेस्ट आता है। अब दूध को सुखाने तक अब हम इसे थोड़ा सा तेज गैस पर पका लेंगे। तेज गैस पर इसको चलाते हुए हम पकाएंगे दूध के सूखने तक। गाजरों को मैंने 10 से 12 मिनट लगे हैं, दूध पूरा सूख चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
हलवे का रंग बहुत सुंदर है। अब ये जो भुना हुआ मावा है जो कि हमने पहले से भून के रखा था, हम इसमें मिक्स कर देंगे इस स्टेज पर, और इसको भी हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और इसमें थोड़े से जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं थोड़े से इसमें मिक्स कर देंगे, और थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। ये मैंने काजू और बादाम डाल दिए हैं, और थोड़ा सा मैं सूखा गोला जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है वो भी इसी में डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है, इसको थोड़ी देर भून लेंगे। चार से पाँच मिनट में ये हमारी भुन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा बेटा तो उतावला हो रहा है कि बस फटाफट मम्मा मुझे दे दो। बच्चों का तो ये वैसे भी फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है, और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। वैसे पुराने ज़माने में तो जो हमारी मम्मियाँ थी वो एक किलो गाजर है तो उसमें एक किलो दूध में ही उसको बैठ के पकाती थी, और उसमें थोड़ा टाइम लगता था। खैर वो भी टाइम अपना अच्छा था, एक माँ के हाथ का खाना। लेकिन अब हमारी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, बहुत बदल रहा है, इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं होता, तो ये फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है। ये मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए जो रख लिया था वो भी डाल दिया है, थोड़ा सा गोला और थोड़े से काजू बादाम का जो मैंने काट के रखे थे। गर्मा गर्म तैयार है ये। आप मुझे ज़रूर बना के बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।